चलो बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हमारे पास दो इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका ग्राफ बनाना है, मतलब इसके कॉमन सॉल्यूशन हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो टेंथ में हम क्या पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े, उसमें हम लोग इस टाइप के ग्राफ बनाना सीखे थे। अब यहाँ ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग इक्वल टू करके ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2x - y = 1 ले लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। x और y के यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं दोनों का, जैसे यहाँ, जैसे मैं सपोज x और y के हमको कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट किए तो y क्या आया, x = 0 पुट किए तो y - 1 आए। ठीक है, समझ में आया। अब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x क्या है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखते, क्या है इंटीजर वैल्यूज आएंगी ना, तो वो उसमें ग्राफ में प्लॉट करना आसान रहेगा। तो y = 0 नहीं हो रहा है, y = 1 ले लेते हैं, y = 1 लिए, y की वैल्यू यहाँ 1 लिए तो इधर जाके 2 हो जाएगा, x भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ काफ़ी हैं प्लॉट करने के लिए, एक आया हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 - 1 और एक आया 1 - 1, इसका भी निकाल ही लेते हैं पहले। जैसे इसको लिख लेते हैं x - 2y = -1। अब यहाँ मैं x की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, जैसे y = यहाँ 0 पुट किए तो क्या वैल्यू आ रहा है, y = 0 हुआ तो x = -1, y = 0 तो x = -1, तो हमारे पास क्या आया, x और ये y = हम 0 पुट किए तो x की वैल्यू आई -1। वैसे ही और कोई देखते हैं, x = 1 कर रहे हैं, x = 1 पुट कर रहे हैं तो 1 -2 हो गया, y = 1। देखो x = 1 जब पुट कर रहे हैं हाँ, तो क्या होगा, -2y = क्या हो जाएगा, ये -1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ -2, तो -2 से कटा, y = 1 आ गया। तो x की वैल्यू जब 1 पुट किए यहाँ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है, चलो ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं, देखो ठीक है, इसको मैं मिटा के कोऑर्डिनेट को लिख देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट है हमारा -1, 0 और एक कोऑर्डिनेट है 1, 1, 1, 1, ठीक है, ऐसे। अब बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ, ये हो गया हमारा x, ये हो गया -x, ये हो गया y और ये हो गया -y, इसमें नंबर्स प्लॉट कर देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4 और वैसे इधर भी 1, 2, 3 और 4, ये हो गया 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 1, 2, 3 और 4, तो हो गया -1, -2, -3 और ये -4, इधर भी ले लेते हैं -1, -2, -3 और ये हो गया -4। अब देखो प्लॉट करते हैं, सबसे पहले क्या, x 0 और y - 1, x हो गया 0, ये 0, 0 रहता है हमारा ओरिजिन रहता है, x 0 और y - 1, तो ये वाला वैल्यू है, ये क्या है 0 - 1, ये वैल्यू क्या है 0 - 1, उसके बाद 1, 1, x में 1 y में 1, तो यहाँ मिलेगा, ये हो गया 1, 1, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा समथिंग, ये लाइन बना। अब देखो सबसे पहली बात, 2x - y > 1 है हमारे, ये थोड़ी ना, हमारा तो ये है ना क्वेश्चन, ये है। अब देखो क्या बोल रहा है, 2x - 1, हम x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो या तो हमारा सॉल्यूशन इधर होगा या सॉल्यूशन इधर होगा। अब हमको देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही, इधर इधर वाले वैल्यूज आएंगे या इधर वाले वैल्यूज आएंगे। देखो तो इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ हम लोग 0, 0 पुट करते हैं, x और y की वैल्यू 0, 0 पुट करते हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ जैसे 0, 0 पुट कर रहे हैं तो 0 > 1, क्या ये सही बात है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये सही बात है, 0 बड़ा है क्या 1 से, नहीं ये गलत बात है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ओरिजिन के तरफ तो नहीं रहेगा, इधर ना हो के हमारा सॉल्यूशन किधर होगा, इधर होगा हमारा सॉल्यूशन, इस डायरेक्शन में, इस मतलब इस लाइन के नीचे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, और साथ ही साथ ये इस लाइन में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, x
टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन वन होना चाहिए ना, मतलब इस ये तो इक्वल टू वाला लाइन है, ये लाइन कौन सा है, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन वाला लाइन है, ठीक है। मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इसका सोल्यूशन तो होगा नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन वन रहे, समझ में आ रही बात। तो हम क्या करें, यहाँ 0 0 पुट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0 इज ग्रेटर देन 1 है जो कि गलत बात है। इसका मतलब ये है कि हमको ये पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है इधर की जितनी भी वैल्यूज होंगे वो हमारा सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ इस लाइन में आने वाले हमारे सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग कट करके दिखाएंगे, इस लाइन को ऐसे कट करके दिखाएंगे, बीच बीच में गैप करके दिखाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि इस लाइन में आने वाले इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन नहीं, इस लाइन में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन नहीं है, ये बात पता चल गई। अब ये वाला इस इनइक्वालिटी का भी पुट करते हैं, जैसे क्या है माइनस वन जीरो, एक्स में माइनस वन और वाई में जीरो, तो ये वाला वैल्यू है। उसके बाद एक है वन वन, एक्स में वन वाई में वन, ठीक है, इसमें भी तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है वन वन, तो हम लोग देखे थे। अब इन दोनों को मिला लेते हैं तो समथिंग ये ऐसे मिलेगा, ये मिल गया ऐसे, ये हो गया। आप अच्छे तरीके से बनाइएगा, ग्राफ पेपर हम बनाएंगे तो और अच्छे से बनेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन गया, समझ में तो आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट नहीं बना है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला भी लाइन कौन सा है, x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन वाला लाइन है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं कि वैल्यू इधर, इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा इधर, इधर की वैल्यूज आएंगे कि ऊपर की वैल्यू, इधर की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे, तो क्या रहा है वैल्यू, 0 इज लेस देन माइनस वन, क्या 0 माइनस वन से छोटा है, जो कि गलत है यहाँ भी। तो हमारा वैल्यूज किधर रहेगा, इधर का रहेगा कि इधर का रहेगा, हमारा वैल्यूज इधर का रहेगा, ऊपर का, इधर वैल्यूज आएंगे। तो देखो दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो ये कॉमन सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वाला हिस्सा दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन है, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये दोनों इनइक्वालिटी में कॉमन है ना, मतलब इन दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ये वाला सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ हम जो लाइन बना है, ये वाला लाइन, ये क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन वाला लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो इसको ऐसे कट करके दिखाएंगे, समझ में आई बात। तो ये हुआ इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना, समझ में आया। देखो इनइक्वालिटी में यहाँ क्या था, एक और दो था, हो सकते हैं तीन चार हों, तो उन जितने भी इक्वेशंस होंगे ना इन इक्वेशन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो देखेंगे। तो हमारा इंटरसेक्शन ये आ रहा है ना, तो ये वाले इन दोनों लाइंस के बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, इस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं, जैसे इन्हीं इन इक्वेशंस में हो सकता है तीन हो, चार हो, पाँच हो, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम उस इन इक्वेशन का जितना भी टाइप बनता है ग्राफ में बेसिकली उसको देख लेते हैं, ताकि आसानी से क्वेश्चन लोग बन जाए आपसे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों आगे इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो हमको क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इन इक्वेलिटीज। हमारे पास इन इक्वेलिटी एक दो तीन और चार, तो इनको हमको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सिंपल सा कैसे देखे थे हम, इसको क्या करते हैं, इन इक्वेशन को इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा रीजन आ रहा है, ओरिजन के तरफ वाला कि ओरिजन से दूर वाला, ठीक है। देखते हैं, देखो इसको एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो पुट किए, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं ना हमको। देखो x इक्वल टू जीरो करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, x इक्वल टू वन करेंगे तो देखो यहाँ x इक्वल टू वन देखते हैं, x इक्वल टू वन तो क्या होगा, वन माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री, तो माइनस टू वाई इक्वल टू टू, तो y इक्वल टू क्या आया, माइनस वन, तो x की वैल्यू वन पुट किए तो y क्या आया, माइनस वन। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक कोऑर्डिनेट वन और माइनस वन, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आया हमारा वन और माइनस वन। और देखते हैं y इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, y इक्वल टू जीरो पुट किए यहाँ तो x की वैल्यू थ्री आ गई, तो y इक्वल टू जीरो एक आया, y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाले इनइक्वालिटी के कोऑर्डिनेट दो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसका तो आ गया हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 3x plus 4y equal to 12 ले लेते हैं।
अब x इक्वल टू जीरो पुट किए, x इक्वल टू जीरो पुट किए तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, थ्री। x इक्वल टू जीरो पुट किए तो y इक्वल टू थ्री, एक ये हो गया कोऑर्डिनेट। उसके बाद और एक कोऑर्डिनेट और चाहिए, क्या करते हैं y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x इक्वल टू फोर आ रहा है। y इक्वल टू जीरो पुट करने से x इक्वल टू क्या आ रहा है, फोर। तो एक एक ये भी कोऑर्डिनेट मिल गए, ये तो x इक्वल टू जीरो वाला लाइन है और ये x y इक्वल टू वन, ठीक है ना, इक्वल टू ले लेंगे तो ये तो y इक्वल टू वन वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और ये x इक्वल टू जीरो वाली लाइन, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया माइनस एक्स, ये y और ये हो गया माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आई है, फोर तक, ठीक है ना, वन टू थ्री फोर, इसमें भी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, सिमिलरली माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। देखो सबसे पहले वन माइनस वन ये वाला ना, ये इसका है ज़ीरो थ्री और फोर और ज़ीरो, ये था, ठीक है, इसका ये। तो x में वन और y में माइनस वन, x में वन और y में माइनस वन, तो ये हो गया वन माइनस वन वाला पॉइंट, वन माइनस वन। उसके बाद थ्री और ज़ीरो, x में थ्री y में ज़ीरो, x में थ्री y में ज़ीरो, तो ये हो गया थ्री ज़ीरो, ठीक है। अब ये इसको मिला लेते हैं, ये मिला लेंगे हम, ये लाइन सीधी नहीं बनी है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन हुई है हमारी, x माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री वाली लाइन, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि हमारा सॉल्यूशन किधर होगा, इधर रहेगा या इधर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जीरो जीरो पुट करते हैं, तो क्या रहा है, जीरो इज लेस देन थ्री, लेस देन इक्वल टू, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जीरो छोटा है थ्री से, मतलब हमारी वैल्यू किधर आएगी, ओरिजिन की तरफ, ये हमारा ओरिजिन रहता ना, तो इधर वैल्यूज किधर होगी, इधर। और देखो ये वाली लाइन है हमारी x माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री वाला, तो यहाँ इक्वल टू भी तो है, मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हम लोग ऐसे गेप नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्या होता, सिर्फ लेस देन थ्री होता, ठीक है, x माइनस टू वाई लेस देन थ्री, तो हम क्या करते, गेप दिखाते इस लाइन में, इससे पता चलता कि इस लाइन में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन किधर होगा, इधर, और ये लाइन भी इंक्लूड होगा, मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हैं। अब इस इनइक्वालिटी का कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, ये क्या हो गया 0 3। उसके बाद x में 4 y में 0, तो x में 4 और y में 0, मतलब ये है 4 0 वाली लाइन, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं, ये ठीक है, ये वाली लाइन, और ऊपर से देखो इक्वल टू का भी साइन है, मतलब इस लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो भी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है, समझ में आई बात। तो यहाँ 0 0 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू है 0 ग्रेटर देन 12, क्या ये सही है, नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इधर ना होके इधर होंगे, ठीक है, मतलब इधर ओरिजिन से दूर, इधर, ठीक है ना, समझ में आई बात। और इधर ये वाला कौन सा था हम लोग का, इधर था, इधर वाले सॉल्यूशन से। अब इधर देखो x इक्वल टू जीरो वाली लाइन, तो x इक्वल टू जीरो मतलब ये वाली लाइन, x में ज़ीरो, y एक्सिस से पैरेलल, ये वाला x इक्वल टू जीरो वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, ये हो गया x इक्वल टू जीरो वाली लाइन, x में ज़ीरो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब वैल्यू किधर होगी, ग्रेटर देन जीरो, x इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। अब वैल्यूज किधर होंगी, ग्रेटर देन जीरो मतलब इधर वैल्यू होंगी, इधर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है ना, ठीक, ये वाले सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद y ग्रेटर देन वन, y इक्वल टू वन वाला लाइन कौन सा होगा, y में वन ये होगा,
वाई में वन, ये वाला लाइन होगा वाई इक्वल टू वन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस से पैरेलल, ये वाला है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स इक्वल टू जीरो था और ये वाई इक्वल टू वन मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन हमारा y इक्वल टू वन वाला लाइन। अब सॉल्यूशन y इज ग्रेटर देन वन, तो y इज ग्रेटर देन वन मतलब वन से बड़ी वैल्यू, मतलब इधर आएगी वैल्यू, ये वैल्यू होगी। तो इन सारे सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये पूरा रीजन क्या है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये सारे इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होगा वो ये हमारा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है सारे इनइक्वालिटीज में। समझ में आई बात, क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालो, उसको ग्राफ में प्लॉट कर लो और सारे जो लाइंस होंगे उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन सारे इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या चल रहा था अभी तक, कॉन्सेप्ट वाली बात चल रही थी, ठीक है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज अभी क्या कर रहे थे हम लोग, टाइप बाय टाइप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। पहले सिंपल से इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, फिर पी बाई क्यू के फॉर्म वाला सीखे, उसके बाद देखे कि मॉड्यूलस फंक्शन का कैसे सॉल्व होगा अगर मॉड है इनइक्वालिटीज में, उसके बाद ग्राफ देखे। अब क्या करेंगे, एक वीडियो में पूरे जितने भी लीनियर इनइक्वालिटीज के टफ क्वेश्चन हैं या जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उनको सब एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।